हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में आपको तीन पत्ती बाय महल की एक अनलिमिटेड गेम ट्रिक बताऊंगा। इसमें इन्वेस्टमेंट एक रुपये भी नहीं करना है, फ्री का पैसा है, डेली आप 100 रुपये इनकम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन से गेम के बारे में बताऊंगा। इस गेम में आपको बताऊंगा तीन पत्ती के बारे में। ठीक है, तो मैं तीन पत्ती ओपन कर लेता हूँ, यहाँ आपका रूल समझा देता हूँ कि है क्या इसमें। तो देखो, तीन पत्ती सेलेक्ट है, तो इसमें सबसे पहले तीन या चार प्रकार के पत्ते आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा पत्ता जो कि बहुत ही रेयर है, अगर ये पत्ता आता है तो आप 100% पैसा को 2x, 3x, 4x कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके में एक का है तो सबसे बड़ा पत्ता होता है। अगर एक का थोड़ा छोटा सेकेंड नंबर पत्ता के होता है, और सबसे छोटा दो, मतलब कोई भी चीज़ ट्रिपल आया है, मतलब वो सबसे रेयर पत्ता है। उस मैच को आपका जीतना 99.999% श्योर है। ठीक है, इसमें मैं आज तक ऐसा हुआ नहीं कि ये आए और कभी भी मैं हार गया हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में आता है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, जैसे दुक्की तिक्की चौवा, इक्का बाग छमेन, चौवा पंजा छक्का, मतलब एक लाइन से तीन अंक अगर आते हैं तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। ये थोड़ा कम रेयर है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे कि सेम कलर का इक्का दुक्की तिक्की आता है, या तो वो रेयर से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये भी बहुत रेयर है। ये अभी आ गया तो आप, जैसे दुक्की तिक्की चौवा सब छोटा है, ये भी आ गया तो आपको मैच जीतना 100% श्योर है। ठीक है, और अगर इक्का बाग छमेम आ गया तो सबसे बड़ा होता है, उससे थोड़ा सा छोटा होता है नॉर्मल सीक्वेंस। ठीक है, उसमें क्या होता है, कलर दूसरा हो सकता है लेकिन नंबर सीक्वेंस में होता है, जैसे दुग्गी तिग्गी चौवा, पंजा छक्का सत्ता, धाला गुल्लू मैम, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें अगर पत्ता अलग अलग है तो ये भी एक रेयर पत्ता है। इस ये मान के चलो ये आता है तो अगर बड़ा पत्ता है तो भी आपके जीतने के चांस 100% है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अगर आपके पास ये वाला है नॉर्मल सीक्वेंस है, किसी के पास प्योर सीक्वेंस है, तो प्योर सीक्वेंस वाला बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पत्ता ट्रिपल, उसके बाद सेम कलर का सीक्वेंस, उसके बाद दूसरे कलर का सीक्वेंस, मतलब कलर मतलब जैसे चिड़ी पत्ती ईटा, ये अलग अलग हुआ वो नॉर्मल सीक्वेंस है। उसके बाद आता है कलर, एक ही कलर का कोई भी पत्ती, जैसे इक्का दुग्गी चौवा, ऐसा कुछ भी रैंडम नंबर है सेम कलर का, तो वो सबसे पीछे साइड से तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, मतलब ये आया तो आप इसमें भी आप खेल सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है पेयर या टू काइंड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो पत्ता सेम होता है और एक पत्ता दूसरा होता है, वो भी वो सबसे सेकेंड लास्ट है, तो उसमें दुग्गी दुग्गी सबसे छोटा होता है और एक का के सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा पत्ता है हाई कार्ड। इसमें कुछ भी पत्ता होता है, ना ही कलर होता है, ना ही सीक्वेंस होता है, ना ही कोई डबल होता है, सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग जैसे कलर में, जैसे ब्लैक और रेड मत समझना, इसमें ब्लैक है तो हुक्कुम भी हो सकता है, चिड़ी हो सकता है, लेकिन नंबर भी अलग अलग होंगे, रैंडम नंबर, वो सबसे हाई कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है पेयर, उससे बड़ा होता है नॉर्मल कलर होता है, उससे बड़ा होता है नॉर्मल सीक्वेंस, उसके बाद होता है प्योर सीक्वेंस सेम कलर का, उसके बाद सबसे बड़ा होता है ट्राइवो। ठीक है, तो मैं आपको खेल के दिखाता हूँ गेम। तो गेम खेल के दिखाने के लिए मैं सबसे पहले सबसे छोटा वाला, आपको सबसे छोटा वाला खेलना है, मैं थोड़ा सा कैमरा छोटा कर लेता हूँ, सबसे छोटा वाला खेलता हूँ 10 पैसा। ठीक है, तो मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ मेरे पारी आने के लिए। ठीक है, ओके, तो देखो मैं यहाँ पे अपना गेम स्टार्ट हो गया है। अब देखो, गेम जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैं पत्ता देखता हूँ, तो पत्ता देखो मेरे पास पेयर है, अब पेयर में अट्ठा है, तो छोटा पत्ता है तो मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं खेलूँगा, लगता है कि हाँ हार सकता हूँ तो मैं वहाँ से गेम एग्जिट कर लूँगा। मैं यहाँ पे साइड शो किया, साइड शो मतलब मैं बगल वाले पत्ता देखना चाहता हूँ, अगर वो बड़ा रहेगा तो मैं हार जाऊँगा, मैं बड़ा रहूँगा तो वो हार जाएगा। ठीक है, ये डबल चाला, तो मैं यहाँ पे मैं एक बार साइड मांग के देखता हूँ। ठीक है, अगर वो दिया तो ठीक, जैसे वो दे दिया, वहाँ पे उसका मेम था मेरा अट्ठा था, तो वो बड़ा हुआ इसलिए वो जीत गया, मैं हार गया, जीता नहीं है, अब इन दोनों का मैच चलेगा, उससे यहाँ पे ये जीत गया। ठीक है, अब दोबारा गेम स्टार्ट होगा, फिर मैं सीन करता हूँ। यहाँ पे देखो, चौवा धाला गुल्लू, कोई ना ही कलर है, ना ही सीक्वेंस है, ना कुछ नहीं, हाई कार्ड है, मतलब छोटा पत्ता में खेलता नहीं हूँ ऐसा पत्ता में, तो आपको ऐसा पत्ता में नहीं खेलना है। सिर्फ आपको खेलना कौन से पत्ता में है, या तो ट्रायो, या तो सीक्वेंस, या तो प्योर सीक्वेंस, या कलर, और अगर पेयर में खेलना है तो एक का बागछा पेयर रहेगा तभी खेलना है। ठीक है, तो मैं अच्छा पत्ता आएगा तो अब मैं खेलूँगा। ठीक है, तो फिर से पत्ता मिल गया, मैं देखता हूँ। देखो, सबसे बड़ा पत्ता है, सबसे बड़ा नहीं है बट के एक का है, मतलब बड़ा पत्ता है पेयर में, तो मैं चाल दिया 20 पैसा, यहाँ डबल कर चालोगे 40 पैसा। अगर अब देखो, ये मेरे से देखना चाहता है मेरा पत्ता कि मैं बड़ा हूँ कि वो बड़ा है, तो अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो अगर मैं जीतूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, वो जीत, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा पत्ता बड़ा है, उसका पत्ता छोटा है, तो मैं जीत गया। ठीक है, अब ये खेल रहा है, ये डबल चाला, ब्लाइंड है, मतलब बिना देखे वो पत्ता चाल, ये पैक कर दिया, यहाँ से मैं चाल भी सकता हूँ और मैं शो भी करा सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार और चालता हूँ। ठीक है, अब वो चलेगा तो मैं शो कराऊंगा, अगर वो पैक करेगा तो मेरे लिए अच्छी बात है, वो
देखो उसके पास था कलर, मतलब मेरा मेरा पेयर था उसके, उसका कलर था, तो वो जीत गया। ठीक है, तो कलर इसमें पेयर से बड़ा कलर होता है। अगला मैं खेलता हूँ, कुछ भी नहीं है, एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अच्छा पत्ता है तभी खेलना है। ठीक है, जैसे मेरे पास 82 रुपये है, मैं आज ही खेल के इसको 82 रुपये किया था, तो मैं वेट करता हूँ, जब अच्छे पत्ते आएंगे तभी मैं खेलूँगा। ठीक है, तो एक दो बार और देखता हूँ। दुग्गी तिग्गी चवा, देखो मेरे पास क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब दुग्गी तिग्गी चवा, लेकिन कलर सेम नहीं है। अगर इससे बड़ा किसी पास होगा तो मैं हार सकता हूँ, तो पर मैं इसमें डबल चालूंगा। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ, डबल चाल दिया हूँ, देखता हूँ होता क्या है। ठीक है, उस बगल वाला ये भी डबल चाल रहे हैं, तो इसके पास भी अच्छे पत्ते हो सकते हैं, लेकिन उसका कलर था, मेरा पेयर था, तो मैं मेरा सीक्वेंस था, उसका कलर था, तो मैं जीत गया। ठीक है, मैं फिर से डबल चालता हूँ, इस बार 100 करा दूंगा। ओके, इसके पास बड़ा पत्ता था तो वो जीत गया, मैं हार गया। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ देख के खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको खेल सकते हो। देखो इस बार भी 70-80 हलाया, तो मैं फिर इस बार फिर डबल चलो, पिछले बार हार गया था क्योंकि मेरा छोटा पत्ता था, इसके बाद बड़ा था, तो इस बार फिर डबल खेलता हूँ। देखो आपको अगर कम पैसा से खेलना है और बिना रिस्क लिए खेलना है, तो थोड़ा थोड़ा खेलना, अब डबल डबल मत चलना। ठीक है, जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं जीत गया, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके ना जीत सकते हो। बस अच्छे पत्ते आए उसका वेट करना, जैसे अच्छा पत्ता नहीं है चुपचाप पैक करना और टेबल चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर अच्छे, हाँ देखो यहाँ फिर स्टार्ट हो गया, जब टेबल ना मिले तो चेंज करते रहना, फिर टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कलर है, तो मैं कलर में उतना खेलता नहीं हूँ, मैं नॉर्मल कलर में खेलूंगा, जैसे एक दो बार चलूंगा, अगर हाँ लगेगा जीतना है तो जी खेलूंगा, आगे नहीं लगेगा कि हार जाऊंगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं खेलने के बजाय साइड शो करूंगा, इसका पत्ता मैं देखना चाहता हूँ, साइड शो कर लेता हूँ। तो देखो ये डिक्लाइन कर दिया, मतलब या तो ये बड़ा पत्ता रखा है, ठीक है, ये मेरे भेजा, मैं सीन कर लिया, और ये और मैं बचे इस बार सिर्फ दो लोग, तो या तो वो चले गया तो फिर शो करे, मैं शो करा देता हूँ। देखो इसके पास नाला दला गुल्लू था, वो जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इसी को देखना है, अगर आपके पास बड़ा पत्ता हो, अगर आपके पास पेयर आता है तो मत खेलो, कलर आता है थोड़ा सा खेलो, अगर सीक्वेंस आता है, ट्रायो आता है, तो आप पूरा पूरा मैच को डबल पैसा ला के खेल सकते हो, आपका जीतना 100% श्योर है। देखो जैसे मेरा भी, मैं ध्यान ही दिया, मतलब मैं ध्यान दिया, उसके पास बड़ा निकला था और मेरे पास छोटा था, दुग्गी तिग्गी चौका था, तो मैं हार गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर छोटा पत्ता है तो ज़्यादा मत खेलना, अगर बड़ा पत्ता है तो डबल तिबल पैसा ला के आप खेल सकते हो। ठीक है, और आपको बताता हूँ इसमें मिनिमम विड्रॉल 100 रुपये, ये चीज़ तो आपको सबको पता ही होगा। तो अगर आपको जैसे ही 100 रुपये विड्रॉल होता है, तो आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे विड्रॉल पे देख लेना, जैसे मेरे 71 रुपये है, जैसे ही 100 होगा तो विड्रॉल कर लेता हूँ। ये 3 बार मैं पेमेंट भी निकाल चुका हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो मेरा रेफर कोड यहाँ से मैं दे दूंगा, यहाँ आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाल के मेरे रेफर कोड को आपको 50 रुपये बोनस के तौर पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।